और बता दें इस बीच बड़ी खबर, आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और इसके लिए सभी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वो तिरंगा यात्रा निकालें। तो आज 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है, पार्टी की राज्य इकाइयों को निर्देश तिरंगा यात्रा निकालें। राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। तो ये आप ये तस्वीरें देख रहे हैं स्थापना दिवस की, जहां पर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी ने इस यहां पर भी किसानों के मुद्दे को यहां उठाया है कि इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा, इसका समाधान निकालना होगा। बहरहाल ललित नारायण कांडपाल जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, जब स्थापना दिवस की बात हो रही है तो यहाँ लगातार किसान मुद्दे पर, किसान आंदोलन को लेकर जो है कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी दिख रही है, लेकिन एक सवाल और लगातार उठ रहा है कि राहुल गांधी स्थापना दिवस से पहले ही इटली क्यों लौट गए? देखिए पूजा, आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और कांग्रेस एक ऐसे दौर में ये 136वां स्थापना दिवस मना रही है जब पार्टी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं जिस तरीके से हालात बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, वो कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी सबको एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अब फरवरी में एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, राहुल गांधी की दावेदारी को प्रबल माना जा रहा है, तो इन परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस संगठन भले ही भारतीय जनता पार्टी पर या सरकार पर कितना हमलावर क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने अंदर मजबूती लाना ये उसके लिए सबसे बेहद जरूरी है। और सरकार ने, आज पार्टी ने कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, इस मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है, यूथ कांग्रेस ने ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है, अलग अलग तरह से इस पूरे स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि क्या स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कुछ सीखती है या कैसे आगे बढ़ता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका ललित, तमाम जानकारी के लिए।